तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि ये एक कैसा सवाल है। बेसिकली अगर तुम इसमें देखोगे तो ये एक ऐसा सवाल है कि बहुत ही बेसिक है और ये आना चाहिए आपको। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इतना दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालना है व्हेन एक्सलेशन इज जीरो। तो हमें ये पता ही नहीं है बच्चों कि एक्सलेशन जीरो कब हुआ है, वो समय कब हुआ है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और इससे मैं वेलोसिटी निकालूंगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी होता है। एक बार इसका डेरिवेटिव कर दूं तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा। तो इस बार पावर रूल से करो, ए टी का ए हो जाएगा, बी टी का 2 BT हो जाएगा और -3 CT² आ जाएगा। पावर वाला रूल लगा दिए डेरिवेटिव का, डी एक्स ओवर डी टी, और एक्सलेशन ए इज इक्वल टू dv ओवर dt होता है। तो अब एक बार इसका पावर वाले रूल से इसका डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। पावर वाले रूल से t की पावर 1 है तो ये 2b आ जाएगा और -6 CT आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सलेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2b -6 CT। तो ये जो एक्सलेशन है, जो फंक्शन ऑफ टाइम, ये आ गया। तो अब ये कहता है कि वेलोसिटी निकालना, ये वाली चीज़ निकालना जब एक्सलेशन जीरो हुआ है। तो ये देख लेते हैं एक्सलेशन जीरो हुआ कब है। तो जब एक्सलेशन जीरो हुआ होगा उस वक्त एक्सलेशन की वैल्यू जीरो होगी, मतलब 2b -6 CT की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 2b यहाँ से कॉमन ले लोगे, या ऐसे कर लो ना, 2b/6c, दैट इज टाइम t। तो यहाँ से तुम देखोगे तो b/3c दैट इज टाइम t, वह स्पेशल टाइम है b/3c। इस टाइम पे एक्सलेशन जाके जीरो हो चुका है। तो उस वक्त वेलोसिटी कितनी है, अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, कौन वाली वैल्यू, टाइम की, वेलोसिटी में रख दो, पुट इन वेलोसिटी भी, तभी तो पता चलेगा। तो वेलोसिटी भी की वैल्यू आ जाएगी a+2b, और टाइम की वैल्यू b/3 c के इक्वल है, और -3 c और b का स्क्वायर, और ये 9 c² ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमें वेलोसिटी आएगा। तो a प्लस, यहाँ से देखोगे तो 2b² / 3c तो यहाँ बचा, और ये इसे ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये माइनस माइनस यहाँ से 1 c से c कट गया, b² / 3c² यहाँ बचा। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद a+b² / 3c यहाँ से, ये एक c, ये c केवल लगा, तो a+b² / 3c मतलब तुम इसमें देखोगे तो c ऑप्शन सही बन जाता है। थैंक यू।